आए। विदाई जी ने हमें क्या कहा कि आपके चूल्हे तक पानी पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। चूल्हा में पानी की पानी चूल्हे तक तो पानी तो पीने का नहीं पहुंचा, लेकिन ये गंदा पानी हमारे चूल्हे तक पहुंचा दिया उन्होंने। विदाई जी ने पहुंचा दिया, गंदा पानी पहुंचा दिया, पीने का चूल्हे तक नहीं पहुंचाया उन लोगों। अभी तक शक्ल नहीं दिखाई आके। बात होगी दादी, क्या बात है? वो के नाम चक्र मन मुंडा कौन दिखाया बोर दिया पास? हाँ वो सकली कौन दिखाई बोर दिया पास? यहाँ आज भी कभी जिम्मन बोर दिया हो तो मैं खुशी हो यही कोई क्या मानता है? वो आज बात कोई नहीं कही और आज मुंडा दिखाया कोई नहीं। वो बोटा पास मार गांव में छोरा से मतलब यहाँ कोई रिश्तेदार कोई बनिया रिश्तेदार यहाँ कहे मार बंद करी है यहाँ कहे सीधी गाल काटे छोरी दोनों तो मैं भी कौन सा। हाँ कोई आदमी भी आवाज यहाँ कहे मरगो। दुनिया स्वाद के साथ सेहत भी, शादी की दावत में मिलेगी दुनिया की मिठास, बनेगा ये अवसर और भी खास। दुनिया यहाँ आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे स्वादिष्ट रसगुल्ले, गुलाब जामुन, राजभोग, चमचम एवं शुद्ध दानेदार देसी घी। अभी ऑर्डर करें 9024959530 और पाए फ्री होम डिलीवरी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट www.dunira.com। शायद आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कोई समस्या बड़ी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बसावा के इसर चौक में, जहाँ एक समस्या खड़ी हुई है। ये समस्या कई लंबे समय से है, थोड़ी सी महिलाओं से चर्चाएँ कर लेते हैं कि आखिरकार मुख्य समस्या इनकी क्या है। महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, क्या समस्या आ गई? एक साथ इकट्ठा भी होना पड़ा है और जब आ रहे थे तब आने की स्थिति को मैंने देख लिया। थे बताओ होगा, हम पानी में डूबे पड़े, हमारा बच्चों बीमार हो रहा है, हमारा घर में पानी बस घुस रहा है। हम एक दिन कताक दिन दो महीना होगा, दो महीना होगा आगे जाने नहीं दे रहे हैं और दो महीना मच्छर घुस रहे हैं और हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। काल में बच्चे बीमार हो कौन जिम्मेदार होगा? वो डोलो दे बड़ा हो जाएगा कि ना कोई दिक्कत को मारवाड़ी बोल दो। हाँ और के तो दो बनाओ भेड़ो और हाँ। कहो भी कौन के थे? मैं तो कहो सरपंच कन में जाया और बीकन राम सेव कन में जाया, कोई भी कोनी। क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं मारे बस की तो कोनी, नौलगढ़ जाया, नौलगढ़ तो नहीं जाया, सगला जाया आगे काटबादी कोनी, आगे काटबादी कोनी, पानी मार कर आगे मान पड़े। एक बार तो मैं थोड़ी सी जगह है वो दिखा देता हूँ। ये चौरा तीन या चार रस्तों का ये चौराया यहाँ पर है। एक साइड मेड बंदी हुई है जिधर से पानी आगे नाली से होकर निकलना था, लेकिन यहीं के कुछ परिवारों ने इसको यहाँ से बंद कर दिया, जिसके बदौलत ये देख सकते हैं आप किस प्रकार है महिलाओं के। तो ये मिट्टी किसने लगाई है थोड़ा सा ये बताओ? मिट्टी तो मैं लगाई है, साहब मारे घर का मायने बड़ा लागो ने जणा लगाई मिट्टी लगाई है। हाँ। पानी आगन कौन सा आगन जान दियो को नहीं मारे सारा आगा भेड़ा हो की सारा जणा मिट्टी लगाई है सगड़ा नाली पर अगर आगला मुदा पहले टैंकरों काटे भी होना। हां दो टन दो पर कटा दियो। हां दोबारा भेड़ा हो लागो। हां दोबारा भेड़ा लागो। हां पण आगनो आगनो नाली खुलवा दे, वो पानी आज ही खुल जागो सही। अब हट कर आवे जावे क्या? ठीक है अब बाठा के ऊपर के जाएंगे। रात न कोई आवे कोनी बेचारो के करन ई पानी सुडर तो कोई बच्चे आवे ना कोई बुड्ढी आवे ना कोई ठेरी आवे ना मर जाएंगे तो पड़ जाएंगे बुड्ढी बुड्ढी। अच्छा मनिया लगा जना उल्ला कोई सगाई सूख के लिए वो देखवा के लिए आवे ना के होए तो के आवंगा भाई इया के मांगूंगा के सगाई वाला हैं आवंगा के इया कम देखवा के छोरा से मतलब यहां कोई रिश्तेदार आवे ना कोई बनिया रे रिश्तेदारियां के मार रोटी बोकन लगाए है रिश्ता हो रहा है बंद होगा तो होएगा तो बस आगा तो रिश्ता होना बंद होएगा गेला ही कोनी डी कौन आवेगा टाबरा का ज्यादा समस्या थी। स्कूल वगैरह जाबा के लिए स्कूल ना तो अब खुल चुकी है, अब स्कूल खुले टाबर के हट जाएगा। रात रात भी रात आवाज ना कोई कट जाए तो रात भी रात ऑटो मुड़ जाए गाड़िया के बात होगी गाड़ी अठेसु साय आवे ने मैं आई बोला साय गेलो को नहीं कता परिवार है मेरे साहब जी आसपास का मानी जगह परिवार है वो कौन सो मोलो है वो ओ बड़ाया को मोलो है बड़ाया को मोलो उरलो कुमार है 250 परिवार ही तो 250 परिवार ही प्रभावित हो रहे पूरा का पूरा है। पूरा है तो अब किन था सरपंच भी तो है गांव को सरपंच ने खेरे हां सरपंच है वो रोड बनवाई बस टूट गई ही पहले कुमारा ही तो कुमारा के नेरा के तोड़ दी विवाद में वो उठाओ कौन कर दिया क्या सरपंच ने सरपंच कह गए मैं एक रूम पहले मैं उठाओ करियो मैं बनाई को नहीं के अब दिख रहा उनके 250 परिवार और भी दिख रहा तो ही ते ता लोग भेड़ा हो रहे हो कॉल करो एक दो दिखाने दिखाने सरपंच उठावी के कोई नहीं उठा रहा फोन ही कोई नहीं उठा रहा वो नहीं उठावी कोई नहीं कहां ना उठा रहा भाई जान से उठावे जा मिलान होने वा एक बार एक गाड़ी जा रही है बा दिखाओ ते क्या हालात हूं जा रही है
ये आप देख सकते हैं, ये समस्या शायद आपको भी नजर आ रही होगी, महिलाओं की समस्या जायज़ है। ज़्यादा समस्या होती है महिलाओं को पानी लाने में बात करें या बच्चों को आने जाने में बात करें, तो सबसे मोटी समस्या कुछ पुरुष साथी हमारे साथ मौजूद हैं, युवा भी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ी सी ये समस्या तो साफ मेरे हिसाब से बहुत मोटी समस्या है भाई। ये तो पानी की देखो चार रास्ता लागे हैं, अरे कोई गिला कोई बंद को नहीं हुई, तड़के बरसात आई जना आगन के करेंगे ये बंद ही हो रहे हैं। ये देखो ये पूरा बंद करने को नहीं है, ये गाड़ी घोड़ा है और भी है, स्कूलों काम भी है, बच्चा भी है, रात में रात कोई भी आदमी निकल सके तो देखो पूरी दिखाओ, और तड़के बरसात शुरू हो जाएगी ना बीमारी पैदा हो जाएगी, गर्म जाएगा दुकान नहीं जाए वो भी कमान के, तो भाई वही कमान है ना, आगे सोचना चाहिए हर आदमी के बारे में। गांव की धरती तो है कि वे पानी शायद खेता में निकाल देना और ही बढ़िया रहे, लेकिन अब तो मेरे साथ हमने प्रशासन से बहुत बार अपील की है, ग्राम सेवक के पास गए थे, वीडियो अधिकारी के पास भी जाके आए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुनाई नहीं हो रही है। गांव के जो सरपंच है ना वो यही आश्वासन दे रहे हैं कि एक दो दिन कर रहे हैं। कौन से एक दो दिन? बस यही उनके पास जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि मुझे टाइम दो, 5 दिन का 10 दिन का वो टाइम पूरा हो जाता है, उसके बाद में वो कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं। हमें प्रशासन ने यही अपील है कि इस पानी का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, वरना उनके लिए सही नहीं रहेगा। बच्चों की स्कूल भी खुल गई है, अब स्कूल यहाँ पे मतलब मूलभूत आवश्यकता हमारी पूरी नहीं हो रही है, इस टंकी से पानी लाते कहाँ, ये जो ये परिवार ये कहाँ से तो आए कहाँ से जाए आप बताओ। एक सोचने लायक विषय यही है कि हम कहाँ से तो आए, यहाँ पे चक्की है आटा लाने जाए तो कहाँ से ला के आए बताओ, आप बताओ ये बताओ, कोई सुनाई नहीं कर रहा, विधायक भी यहाँ का कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी तक तो 4 महीने हो गए, उनको भी बहुत बार अवगत करा दिया है, एप्लीकेशन दी है, लेकिन उन इस पर कोई सुनाई नहीं कर रहा है। कोई विधायक जी तो अभी कुछ समय पहले वोटों में आए थे, ये समस्या उस टाइम थी क्या? नहीं थी। अच्छा उसके बाद उस टाइम नहीं थी, ये एक जातिवाद ये मतलब मुद्दा हो गया है, मतलब यहाँ पे लोग हैं, कुछ घर हैं कुमार समाज के हैं, मतलब नेहरा है, ये तो अपना अपना काम कर लिया, वहाँ पे मिट्टी डला दी, और यहाँ पे हमारे कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। हम बोल ये पानी इधर आगे जाना था फिर? हाँ हमेशा ही आगे जाता है, लेकिन इस बार वो नहीं जाने दे रहे हैं। अब पता नहीं क्या ये लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, इसका हमें कोई थोड़ा बहुत अंदाजा नहीं है। उसका भी एक रीजन है, आगे हमारे पीर बाबा का मंदिर है पास में, वहाँ पर गंदा पानी गेट होता है, उसका आगे का कोई इलाज नहीं किया अभी तक सरपंच ने, पहले वो होगा तो फिर गंदा पानी निकलेगा यहाँ से। और मैं सरपंच की जिम्मेदारी नहीं बनती कि टैंकर वगैरह से निकालना जरूरी होता है, अलग से बोल दिया सरपंच साहब को कि आप कम से कम एक बार काम पूर्ण रूप से ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त टेम्पररी लाइन डाली, हाँ कुछ भी करो, चाहे यहाँ से कढ़ाओ चाहे यहाँ से निकलो कहीं से भी निकलो, पर ये पानी निकलो, यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, सभी का आना जाना बंद हो रहा है, मेन बात तो यही है। जिन लोगों की मूलभूत आवश्यकता है ना वो पूरी की पूरी खत्म हो रही है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अब हम पंचायत को इतना निवेदन कि यदि यहाँ से काम करो 2-4 दिन में हम पंचायत को ताला लगाएंगे, वहाँ पंचायत के हाँ वहाँ पर धंधा सरपंच तो वैसे नहीं सुनाई दे रहा, कोई नहीं सुनाई दे रहा है, यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं डेली। कौन है सरपंच यहाँ के? कौन है सरपंच? राजेश जी दूत, उनकी वाइफ है सुनीता दूत, तो उनको हमने अवगत करा दिया, कम से कम भी 10 बार तो उसके घर पे जाके आए हम, वो यही आश्वासन दे रहे हैं कि हम ये काम करवाएंगे, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। बस हम यही बोलना चाह रहे हैं कि सरपंच महोदय को कि आप काम करो, यही अपील है हमारी। कोशिश करते हैं हम भी सरपंच जी से बात करने की, अगला हालांकि हमने कई बार 5-10 कॉल कर लिए हैं सरपंच जी को, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, ये शायद यहाँ के जो भी लोग खड़े हैं उनका ऋषि का कॉल वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। हमने किसी अन्य माध्यम से उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन वो शायद संपर्क में नहीं आ पाए, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा अगर बात करें तो चर्चाओं में ये महिलाएँ हैं ठीक है गए फेरे हैं यहाँ ऋषि जना का काम है तो मेरे हिसाब से घर का मान नहीं रहना पड़ती, फिर घर का मान रहा आदमी मर जाए भी खट के लेट जाए। हाँ बात सही है, वो भी नहीं दल में कह रही के इमें कह रही के ले जा, अरे मर जाए के पानी जाम तो बीमार तो नहीं कदम फसल जाऊँ रात को संभाल वाला संभाल वाले को नहीं मानते कोई है, छोटो टापर निकल जाते नहीं पानी कोई के गेलो है, ये कोई गेलो करो मारो गेलो बंद रहे मैं तो आटो फिर सब वहाँ तेल में पड़ गई कमान को ना सको आटा चक्की का मुंडा हमारे 3 दिन पानी जो गेट के भिड़वा लगे जरा जाके मैं उल्ला तो घर का मकर आ उल्ला तो पड़ला उल्ला घर का मकर अब गाड़ी का मान कोई आदमी खत्म हो जाए तो बिन खटी के ले जा बाप रे ले जा बड़ा वो घर पर रखे रोज के घर में कौन दिखावा देखो देखो अजी घर में की कोई को नहीं आने दे ठीक ही देखो ये बैठा लगा रहा है यहाँ कुकर की हमें तो बैठा पर जे तिस तिस जा जनार कोई हाँ आई तो पड़ जा कोई
आटा को सिर पर कटो रहे फुड़ा ले वो आटो टूट जा कटो लेके पड़गी पेड़िया में जाके किसल के हाँ गोटा फूट का बापू का सारा सरपंच कह रहे हैं घर गया थे भी गया गए से जा रहे हैं जा रहे हैं क्या बोला सरपंच मिले टाइम दियो 10 दिन को टाइम दियो बोले 10 दिन को मन टाइम दियो मैं थारो समाधान करवाऊंगा आज 10 दिन से तो ऊपर गया कल मैं खुद कॉल करी मैं वार्ड पंच हुई ठहरी मैं खुद कॉल करी तो एक दो दिन को टाइम दे रहे हैं अब आज को नाम लिया हमारे घर आया है बोला कि सरपंच साहब दोबारा थाने फोन नहीं करना चाहिए नहीं करांगा मैं बोले नहीं कल थाने फोन को नहीं आओगे मैं खुद आऊंगा ये ठहरा के अब देख लो थे वार्ड पंच थे तो पूछा दी सूचना पूछा दी मैं खुद जाके आई हूँ लेडीज लेके हैं लेकिन